हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लियर द टैग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके यूट्यूब चैनल को किस किस ने सब्सक्राइब किया, आप कैसे देख सकते हो या आप कैसे पता कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड, स्टार्टिंग में सभी अपने यूट्यूब चैनल का लिंक फेसबुक में, व्हाट्सअप में, ट्विटर में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं भी आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा। उसके बाद फैन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फैन आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी बोलते हैं कि आपका चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर दिया, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे में फैन अगर आप पता करना चाहते हैं कि असल में आपका चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है नहीं, तो फैन आज की इस वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन सब्सक्राइब किया है। तो चलिए फैन इसकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। आपका चैनल को किस किस ने सब्सक्राइब किया देखने के लिए सिंपली आपका जो क्रोम है, क्रोम को ओपन कर लेना। क्रोम को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऑप्शन को देखने को मिलता है, सिंपली आपको यूट्यूब पर क्लिक कर देना है। अगर आपको यूट्यूब का ऑप्शन को देखने को नहीं मिलता तो फिर सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर देना है youtube.com, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन को देखने को मिलता है, सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर दे तो फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना चैनल का लोगो मिल जाए, सिंपली आपको इस लोगो पर क्लिक कर देना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको योर चैनल का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप योर चैनल पर क्लिक करें तो फिर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा, कस्टमर चैनल एंड मैनेज वीडियो। तो फिर सिंपली यहाँ पर आपको कस्टमर चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमर चैनल पर क्लिक करें तो फिर इस तरह से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर आपको राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिल जाए, तो फिर यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो फिर इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिलेगा, जैसे कि फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको किस किस ने सब्सक्राइब किया देखने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको रिसेंट सब्सक्राइबर का ऑप्शन को देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो फिर उसका नीचे यहाँ पर आपको सी ऑल का को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको सी ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सी ऑल पर क्लिक करो तो फिर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से बहुत ही इजीली देख सकते हो कि आपको कौन कौन ने सब्सक्राइब किया है। तो फिर जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पर दिखा रहा है GM श्रीनिवास, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सुनील कुमार सिंह का ऑप्शन को देखने को, तो फिर इस तरह से बहुत ही ईजिली देख सकते हो कि आपको कौन कौन ने सब्सक्राइब किया है। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हो कि आपको जो सब्सक्राइब किए उनके चैनल में कितने सब्सक्राइब है, तो फिर उसके लिए यहाँ पर आपको सब्सक्राइब काउंट के ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे इस तरह से आपको सब्सक्राइब भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले जो मुझे सब्सक्राइब किया है GM श्रीनिवास, उनका चैनल में 790 सब्सक्राइब है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में सुनील कुमार सिंह है, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और उनका चैनल में 20 सब्सक्राइब है। उसके बाद अगर आप लास्ट 28 डेज का जानना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो फिर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हो, लास्ट 28 डेज का भी देख सकते हो, लास्ट 90 डेज का भी देख सकते हो या लाइफ टाइम भी देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो फिर उसके लिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, तो फिर सिंपली यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। जैसे आप सब्सक्राइब पर क्लिक करो तो फिर इस तरह से आप भी उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर इस तरह से आप बहुत ही ईजिली उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, या उनके चैनल में कितने सब्सक्राइब है इस तरह से आप बहुत ही ईजिली देख सकते हो, या आपको कौन कौन ने सब्सक्राइब किया है वो भी देख सकते हो। तो फिर इस तरह से आप बहुत ही इजीली देख सकते हो।